हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग सात छह चैप्टर आपके देख चुके हैं, सातवां में चैप्टर देखना है। तो इसे बड़े धैर्य के साथ सुनिए या फिर पढ़िए, ठीक है। और लास्ट में जो भी इसका निष्कर्ष होता है वो बता दिया जाता है, और आपका जो भी मेन उद्देश्य है इसे पढ़ने का वो समझा दिया जाता है, ठीक है। ध्यान से आपको सुनना है। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। हमने देखा था कि कक्षा 7वीं में बूझो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोपचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बिहार निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। बात करते हैं वनोन्मूलन एवं इसके कारण क्या है। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व में एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है: कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखाना का खानों का निर्माण, फर्नीचर बनाना बनाने तथा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, दवानल एवं भीषण सूखा भी वन उन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। क्रियाकलाप 7.1। अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए और एवं मानव निर्मित वनोन्मूलन भी कर सकते हैं। बात करते हैं वन उन्मूलन के परिणाम, जो वन सफाया हो रहा है इनके आखिर परिणाम क्या हैं। पहेली एवं बूझो ने वन उन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, भौम जल का स्तर भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि पृथ्वी की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही वृक्षों की, तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जलचक्र का संतुलन बिगड़ता है, वो वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण आपका सूखा पड़ता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7वीं में आपने देखा था, याद कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदापरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदापरदन अधिक होती है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण। वनोन्मूलन से मृदा के जल
धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःसरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वन उन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बना सकते हैं। बात करते हैं वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली और बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए। उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य होते हैं। जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध, आपका जैव विविधता। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तित्व प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम विधियां नीतियां बनाती हैं। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित हैं क्षेत्र। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार यानी कि पंचिंग, इन क्षेत्रों में निषिद्ध है यानी कि बंद है। वन्यजीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, ये आपके वन्यजीव अभयारण्य होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन जीवन पौधों और जंतुओं संसाधनों और उन क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं जैव मंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक दो वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। ये आपका पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बोरी अभयारण्य, चूना धैन बोरी, पचमढ़ी पनार पानी गेट, पिपरिया को पचमढ़ी अभयारण्य,
ये आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, संरक्षित क्षेत्र। बात करते हैं पेड़ पौधे एवं जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन, टीक के वृक्षों एवं वन प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा, उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोके। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं। चिंकारा, नीलगाय, वार्किंग, हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। ठीक है, पता है आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये आपका जंगली कुत्ता है, ये आपका हिरन हो गया, ये भेड़िया, ये आपका तेंदुआ, फर्न, जामुन। सुना होगा कि वो कई रोड जगह रोड पर शेर घूमते मिले। तो पता है जब हम उनके क्षेत्र ही नष्ट करते जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? रोड पर तो आएंगे, तो वो हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम उनके क्षेत्र में घुसते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में सुना था। चलिए आगे देखते हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। बच्चे सिंह ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रवेश हो गए। बच्चे एक विशाल का गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ बेस के विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं, यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा क्षेत्र की विशेष क्षेत्री हो सकती है। माधव जी ने पचमढ़ी जब मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को देख दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति का जगत का उदाहरण दिया। बिसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है, इसके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। यह आपका जंगली आम हो गया, यह आपका विशाल गिलहरी, देख लीजिए। स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जातियों के सदस्यों को छोड़कर जनन क्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में। शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था कि पचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। यानी कि यहाँ ना इन्हें पकड़ सकते हैं, ना इनका शिकार कर सकते हैं, उन्हें ना ही मार सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संकट वन्य जंतु जैसे काले हिरण, श्वेत आंख वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गैंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी हैं।
अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित है। भारतीय अभयारण्य में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा नदी, बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनको वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताजा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों जंतुओं का संरक्षण करते हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीके सागौन इस वन में मिलते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिसमें हमें आदिमानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। पचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था कि सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों को संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना, यानी इन्हें बचाना है। ये आपका बाघ हो गया, जंगली भैंसा, बारहसिंगा देख लीजिए। बाघ उस स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे अथवा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटपन्न जंतु कहलाते हैं। संकटपन्न जंतु कहलाते हैं, याद रखना। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटपन्न जंतु होते हैं। बूजो को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या फिर मारना, जलावन पौधे की लकड़ी और औषधीय पौधों एकत्रित करना स्वीकार नहीं है। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते ही भी नहीं है। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल, आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटक को जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। बात करते हैं रेड डाटा बुक। आपने ये सुना होगा कि उसे विलुप्त होती प्रजाति को रेड डाटा बुक में लिस्टेड किया गया। प्रोफेसर अहमद
बच्चों को रेड डाटा बुक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा बुक, डाटा पुस्तक, वह पुस्तक है जिसमें सभी संगठन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक पुस्तक है। प्रवास। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करती है। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि ये प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह वहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसा कि पहली ने कक्षा 7वीं में पढ़ा था, उसी तरह कह लीजिए जैसे हम लोग गांव से शहरों की तरफ चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। जैसे गांव में सुविधा नहीं है आपके पास, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधा नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं, गांव छोड़कर किसी ऐसी शहर में जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो उसी तरह पक्षी भी यही करते हैं। जब उनके जीवन यापन के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं होगी, वो स्थान नहीं होगा, तो वो दूसरे क्षेत्रों में चले जाएंगे जहाँ उनके जीवन यापन के लिए अनुकूल क्षेत्र होगा। बात करते हैं कागज का पुनर्चक्रण। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वन उन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि एक टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रोपण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। यानी कि एक टन कागज प्राप्त करने के लिए हमें 17 वृक्षों का खात्मा किया जाता है, यानी कि काट दिया जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 6 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र एक कागज की बचत करता है तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, वन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में क्या, शहरों में भी जब आप पुरानी किताबें हो जाती हैं तो आप बहती जाती हैं, तो वो पुनर्चक्रण हो जाता है उनका। कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक कक्षा 6वीं, जैसे हम कक्षा 7वीं की किताब पढ़ रहे हैं, तो इस बुक को मुझे लगता है कि कई जगह 70 से 80% एक बार में ही इसे नष्ट कर देते हैं, काट पीट के, गोला गोला लगा के। और अन्य देशों, विकसित देशों की बात करूं तो मैं पढ़ रहा था कई रिपोर्ट में कि एक ही बुक्स को कई बच्चे पढ़ लेते हैं। जैसे अभी कक्षा 8वीं में आप लोग हैं, तो कक्षा 8वीं की आपके बाद जो कक्षा 7वीं में होंगे वो आपकी बुक से पढ़ेंगे, फिर उनसे नीचे जो होंगे वो पढ़ेंगे। इस तरह से कई बार एक बुक आपकी चलती रहेगी। लेकिन अधिकतर हमारे इंडिया में क्या होता है कि एक बुक आपने ली तो उसे आप ही खत्म, उसका खात्मा कर देंगे, उसे नष्ट कर देंगे, इस तरह से उसे उपयोग में करेंगे, ठीक है, दूसरे के पढ़ने लायक छोड़ेंगे ही नहीं उसे। तो बचाइए बुक्स को, और अगर आप उसके कक्षा से या आपके उपयोग से वो बच जाती है तो दूसरे को दे दीजिए। अब बात करते हैं पुनर्वनरोपण। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वनरोपण है। पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वरण हो सकता है। यदि वन उन्मूलित क्षेत्रों को आबादित छोड़ दिया जाता है तो
स्वयंसुता ही पुनः स्थापित हो जाते हैं। प्राकृतिक पुनर्वनरोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हम अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का संरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिसमें वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। पता है, हंसी तो तब आती है जब कहते हैं बेटी बचाओ, वन बचाओ। जिन्हें जो हमें ही सब कुछ देते हैं। अब जैसे वन हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, हम वनों के ऊपर निर्भर हैं। बस अगर वन अपने आप में क्षति जो होती है प्राकृतिक संसाधनों में, वो भरण पोषण कर लेते हैं तब तक जब तक कोई लालची व्यक्ति उसमें छेड़छाड़ ना करे। ठीक है, इसी तरह कहते हैं बेटी बचा। अरे भाई, जो बेटियां, जो माँ, हमें भी तो किसी माँ ने जन्म दिया होगा, उसी को बचाने की बात कर रहे हैं जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, उसी को बचाने की होड़ में लगे हुए हैं। चलिए, जो भी है ठीक है। तो इसमें क्या सीखा है इस अध्याय में? जैव विविधता के बारे में जाना है, जैव मंडल आरक्षण, संरक्षण, आरक्षण एवं संरक्षण के वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, पारितंत्र, संकटपन्न स्पीसीज, विशेष क्षेत्र स्पीसीज, विलुप्त प्राणी जात, वनस्पति जात, प्रवासी पक्षी, राष्ट्रीय उद्यान, रेड डाटा पुस्तक, पुनर्वनरोपण अभ्यारण्य। तो इन्हीं के बारे में हमें जानना है। ठीक, आपने क्या सीखा है? वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम है जो वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु बने हैं। जैव विविधता का अर्थ है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाली सजीवों की विभिन्न किस्में। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात, प्राणी जात से जाने जाते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है। संकटपन्न स्पीसीज वह स्पीसीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डाटा पुस्तक में संकटपन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। प्रवास वह घटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। हमें वृक्ष ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत, उनका पुनर्उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनर्वनरोपण नष्ट किए गए वनों पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण करना है। ये आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें देख लेना। ठीक है, PDF आपकी टेलीग्राम पर है, वहां से डाउनलोड करते रहना, आराम से पढ़िए धैर्य के साथ और निकल जाइए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आ सके, बस ध्यान से पढ़ना है। यहां देख लीजिए, क्या आप जानते हैं विश्व में जंगली बाघों की आधी से अधिक संख्या भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार आपका 65% एशियन हाथी, 85% एक सींग वाले गैंडे, 100% एशियन शेर भारत में ही पाए जाते हैं। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का छठा स्थान है। विश्व के 34 जैव विविधता तप्त स्थलों में से दो भारत में स्थित हैं, यह पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। यह क्षेत्र जैव विविधता से बहुत धनी है। आज प्राणी
वन प्राणियों को सबसे अधिक खतरा अतिक्रमण से, उनके आवास नष्ट होने से। भारत में विश्व की संकटपन्न स्पीसीज की संख्या 172 है, जो विश्व के संकटपन्न स्पीसीज का 2.9% है। पूर्वी हिमालय के तप्त स्थल में पशु और पौधों की स्पीसीज को शामिल करते हुए लगभग 163 वैश्विक संकटपन्न स्पीसीज हैं। भारत में एशिया की कुछ दुर्लभ प्रजातियां जैसे बंगाल लोमड़ी, संगमरमरी बिल्ली, एशियाटिक से भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा, भारतीय गैंडा, गौर, जंगली एशियाटिक जल भैंसा इत्यादि। ये आपकी कुछ साइटें दी गई हैं, देखते हैं। तो ये था आपका 7वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कोशिका संरचना एवं विकार के बारे में, कोशिका के बारे में जानेंगे।